दोस्तों, जी मिचलाना, उल्टी, मतली बिना बीमारी के कारण भी हम लोग आमतौर पर देखते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। मैं डॉक्टर MI गेस्ट्रो हेल्थ केयर फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं। आज हम लोग देखेंगे जी मिचलाना, उल्टी आना, मतली आना क्या है, क्यों होता है, इसके क्या कारण हो सकते हैं और इसकी होम्योपैथिक दवा कौन कौन सी है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जी मिचलाना, उल्टी, मतली बिना बीमारी के कारण भी हम लोग आमतौर पर देखते हैं, जैसे बस, कार, गाड़ी वगैरह में। फास्टिंग में, उपवास रखने में जी मिचला सकता है, उल्टी आ सकती है। एसिडिटी और गैस की प्रॉब्लम में, प्रेगनेंसी के फर्स्ट एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर में। ओवर ईटिंग, भूख से ज़्यादा खाना खाने पर। रात में सही से नींद नहीं लेने पर। अंग्रेजी या एलोपैथिक दवा खाने पर। फूड एलर्जी या फूड पॉइजनिंग के केस में। एंजाइटी और मेंटल स्ट्रेस होने पर। दोस्तों, उल्टी, मतली, जी मिचलाना कुछ बीमारियों के कारण भी हो सकता है, जैसे माइग्रेन के कारण, जिसमें जी मिचलाता है, उल्टी होती है, मतली होती है और साथ में सर में दर्द हमेशा बना रहता है। जॉन्डिस या पीलिया में भी जी मिचलाता है, उल्टी आती है और मतली आती है। गॉलस्टोन में भी उल्टी आती है, मतली आती है और जी मिचलाता है और पेट के दाएं तरफ ऊपरी हिस्से में दर्द होता है। अपेंडिसाइटिस, अपेंडिक्स के इन्फेक्शन के कारण भी उल्टी आती है, मतली आती है, जी मिचलाता है और पेट के दाएं तरफ निचले हिस्से में दर्द भी होता है। हाइपर एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस, पेप्टिक अल्सर में भी उल्टी, मतली और जी मिचलाता है। पेनक्रियाटाइटिस, पेनक्रियाज के इन्फेक्शन के कारण भी जी मिचलाता है, उल्टी आती है, मतली आती है और पेट में बहुत जोर का दर्द होता है। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, आँत में रुकावट आने के कारण भी जी मिचलाता है, उल्टी आती है, मतली आती है। हाइटस हर्निया के कारण भी जी मिचलाता है, उल्टी आती है और मतली आती है। दोस्तों, अब देखते हैं हम लोग होम्योपैथिक दवा। अगर आपको हर समय जी मिचलाता हो, उल्टी आती हो, मतली आती हो और उल्टी आने के बाद भी जी मिचलाना और उल्टी आना कम ना हो, पेट के गड़बड़ी के कारण उल्टी होती हो और बार बार जी मिचलाता हो और पानी की तरह लार निकलता हो और पेट में खालीपन महसूस होती हो, या फिर कफ मिली हुई उल्टी होती हो, या फिर खट्टी उल्टी होना या खाई हुई चीज़ों की उल्टी होना, तो ऐसी कंडीशन में EPCAC 30 पावर की 2 बूंद दिन भर में 3 बार लगातार कुछ दिनों तक लेने से आपकी ये समस्या हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। आपको अगर उल्टी होती हो, जी मिचलाता हो और खाना खाने और पानी पीने के बाद आपकी उल्टी और जी मिचलाना और ज़्यादा बढ़ जाता हो, कारण बार बार जी मिचलाता हो, उल्टी होती हो और पेट में गर्म महसूस होता हो, गर्मी महसूस होती हो और जलन होती हो, सीने में भी जलन होती हो, इतनी ज़्यादा गैस बनती है कि गैस के कारण इसको छाती में जलन होती है और साथ में उल्टी भी आती है और जी मिचलाता है, ऐसे पेशेंट को रुक रुक कर उल्टी होती है और साथ में पतली डस्ट आती हो और बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती हो, तो ऐसी कंडीशन में आर्सेनिक एल्बम की 30 पावर की 2 बूंद दिन भर में 3 बार लगातार कुछ दिनों तक लेने से आपकी ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। ऐसा बच्चा जिसको दूध नहीं पचता हो, जैसे वो दूध पीता है दही के फॉर्म में, दही की तरह वो उल्टी कर देता है और उल्टी के साथ में बच्चे को डस्ट की प्रॉब्लम हो जाती है और बच्चा बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी महसूस करता है, तो ऐसी कंडीशन में इथुजा साइनेपियम 30 पावर की 2 बूंद दिन भर में 3 बार देने से इसकी ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपको सुबह में खाली पेट में ज़्यादा जी मिचलाता हो और उल्टी होती हो और कुछ खा लेने के बाद जी मिचलाना और ज़्यादा बढ़ जाता हो और हर समय जी मिचलाता हो और ऐसा महसूस होता है कि अगर उल्टी हो जाएगी तो मन हल्का हो जाएगा, ऐसे मरीज को बहुत ही ज़्यादा गैस बनती है और डकारे आती है, डकारे आने के साथ में मुँह में कड़वा और खट्टा पानी आता है, गैस की वजह से पेट फूलता है और सीने में जलन होती है और पेट में भारीपन महसूस होती है और पेट में हल्का हल्का दर्द भी होता है,
खाना खाने के कई घंटे के बाद पेट में ऐसा महसूस होता है कि पेट में पत्थर पड़ा हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में नक्स वोमिका 30 पावर की 2 बूंद दिन भर में 3 बार लगातार कुछ दिनों तक लेने से आपकी ये समस्या हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। अगर आपको पेट की गड़बड़ी की वजह से पेट में भारीपन महसूस होती हो और जीभ पर सफ़ेद मैल जमा हो, भूख नहीं लगती हो, हर समय खाई हुई चीज़ों की डकार आती है और पेट फूल जाता है और साथ में जी मिचलाता है, तो ऐसी कंडीशन में एंटीम क्रूड की 30 पावर की 2 बूंद दिन भर में 2 बार लगातार कुछ दिनों तक लेने से आपकी ये समस्या हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। दोस्तों, किसी को गैस की वजह से उसके पूरी एलिमेंट्री कैनाल में इतनी ज़्यादा जलन होती है कि वो परेशान हो जाता है और साथ में उसे खट्टी और तीखी उल्टी होती हो और खाई हुई चीज़ों की उल्टी होती हो और खट्टी और पीठ की उल्टी के साथ डकारें आती हो और सिर में दर्द बना रहता हो, तो ऐसी कंडीशन में आयरिस वॉश 30 पावर की 2 बूंद दिन भर में 3 बार लगातार कुछ दिनों तक लेने से उसकी ये उल्टी की समस्या हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपको सुबह में खाली पेट में बहुत ही ज़्यादा जी मिचलाती हो और बहुत ही ज़्यादा गैस बनती हो, पेट में एक अजीब जैसा महसूस होता है जो खाना खाने से भी आराम नहीं मिलता है, और ऐसे मरीज को खाने की स्मेल से भी उल्टी होने लगती है, जी मिचलाने लगता है और खाना खाने के बाद उल्टी कर देता है, तो ऐसी समस्या के लिए सीपिया 30 पावर की 2 बूंद दिन भर में 3 बार लगातार कुछ दिनों तक लेने से आपकी ये समस्या हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। अगर आपको उल्टी, मतली और जी मिचलाता हो और तो ऐसी कंडीशन में बिस्मुथ 30 पावर की 2 बूंद दिन भर में 3 बार लगातार कुछ दिनों तक लेंगे तो आपकी ये समस्या हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा जी मिचलाता हो, उल्टी होती हो, मतली होती हो, बहुत ही ज़्यादा जी मिचलाने के साथ मुंह से लार निकलती हो और खाना खाने के बाद गैस की वजह से दम फूलने लगता है और बहुत ही ज़्यादा कमजोरी महसूस होती है, तो ऐसी कंडीशन में रोबेलिया इन्फ्लाटा 30 पावर की 2 बूंद दिन भर में 3 बार लेने से आपकी ये समस्या हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। अगर आपको ज़्यादा तला हुआ या ज़्यादा चर्बीदार सामान खाने की वजह से गैस बनती हो और गैस के साथ में जी मिचलाता हो और उल्टी होती हो, तो ऐसी कंडीशन में पल्सा तिला 30 पावर की 2 बूंद दिन भर में 3 बार कुछ दिनों तक लेने से आपकी समस्या हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपको खड़े होते ही जी मिचलाने लगता हो और खाना खाने के बाद पानी और पेट की उल्टी होती हो और ये उल्टी और मतली की समस्या के साथ गैस की समस्या रहती है और उस मरीज को ऐसा महसूस होता है जैसे कि खाना खाने के बाद उसके पेट में कोई पत्थर पड़ा हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में ब्रायोनिया 30 पावर की 2 बूंद दिन भर में 3 बार लगातार कुछ दिनों तक लेने से आपकी ये समस्या हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। अगर आपको मोशन सिकनेस या सी सिकनेस हो, आपको बस, कार या गाड़ी में जी मिचलाने लगता है, उल्टी होती है, सर दर्द होने लगता है, चक्कर होती हो, और अगर आपकी नींद किसी वजह से पूरी नहीं हुई हो जिसके कारण आपको जी मिचलाता हो और सर भारी बना रहता है और सर दर्द होता हो, तो ऐसी कंडीशन में कोकुलस इंडिकस की 30 पावर की 2 बूंद दिन भर में 3 बार लगातार कुछ दिनों तक ले लेंगे तो आपकी ये सारी समस्या हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। अगर किसी महिला को प्रेगनेंसी में या गर्भावस्था में हर समय उल्टी होती रहती हो और उसे उल्टी इतनी ज़्यादा होती है कि वो उल्टी से परेशान रहती है और उसकी उल्टी हिलने डुलने से बढ़ जाती है, काम काज करने से बढ़ जाती हो, और ऐसी महिला को पीठ के बल सोने से उल्टी में आराम मिलता हो, तो ऐसी कंडीशन में सिम्फोरिक कार्पस रेसिमोसा की 30 पावर की 2 बूंद दिन भर में
तीन से चार बार लगातार कुछ दिनों तक लेने से इसकी ये समस्या हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। अगर आपको बिना जी मिसलाए हुए बहुत ही ज़्यादा उल्टी होने लगे और आपको सी सिकनेस भी हो, तो ऐसी कंडीशन में अपोमॉर्फिनम 30 पावर की दो बूंद दिन भर में तीन बार लगातार कुछ दिनों तक लेने से आपकी ये समस्या हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपको जी मिसलाता हो, उल्टी या मतली होती हो और खाने की स्मेल से भी आपका जी मिसलाना बढ़ जाता हो, ख़ास तौर से मछली के स्मेल से, और खाना बनाने की स्मेल से भी जी मिसलाता हो और उल्टी होती हो, तो ऐसी कंडीशन में कैप्सिकम 30 पावर की दो बूंद लगातार कुछ दिनों तक दिन भर में तीन बार लेने से आपकी ये समस्या हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। दोस्तों, ये सब दवा का प्रयोग आप अपने नज़दीकी डॉक्टर की सलाह से लें। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो मुझे आप व्हाट्सएप करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मेरा नंबर ये है 7762024825। ये नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर भी करें।